बिहार में 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। राजद के द्वारा तारापुर विधानसभा से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और भागलपुर महानगर के अध्यक्ष पद पर 6 बार रहने वाले और तारापुर विधानसभा के असरगंज निवासी अरुण कुमार शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजद से टिकट मिलने के बाद पहली बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर अरुण कुमार शाह का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद अरुण कुमार शाह असरगंज बाजार स्थित आसपास के पूरे इलाके का पैदल भ्रमण कर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सहयोग की अपील की। वहीं लोगों के द्वारा मिल रहे समर्थन से उत्साहित अरुण कुमार शाह ने कहा कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी ने एक अदना कार्यकर्ता को टिकट दिया है। वे सभी वरीय नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और तारापुर सीट जीत कर पार्टी को झोली में देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अध्यक्ष जी जो भरोसा किए हैं, जो उन्होंने पिछड़ा और दलित की जो राजनीति शुरू की है, सामाजिक न्याय समता मूलक का, और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं मैं जो राजनीति करता हूँ ए से जेड तक, मतलब सवर्ण भी जो है गाय चराने वाला और झाड़ू देने वाला है, कहता है उनको समान सामाजिक समता मूलक समाज में उनको सही उनको दिला के रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मेरे परिपक्ष के नेता, उनका ये आह्वान है और उसी का एक प्रतिफल आप देख रहे हैं। मैं 25 साल से राष्ट्रीय जनता दल का 6 टन नगर अध्यक्ष रह के दरी बिछाने और उठाने का काम किया है, पत्र देने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। आप अपार स्नेह देख रहे हैं, मैं अपने जनता को, तारापुर की जनता को इसी तरह अपार प्रेम स्नेह देते रहूंगा।